नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से पेपर के लिए 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो ये जो आपका टाइम होता है 1 महीने का, ये स्मार्ट स्टडी का टाइम होता है। दोस्तों, इस 1 महीने में आप कुछ भी नया ना पढ़ें। आपने जो पूरे 1 साल 2 साल या जब से आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तब से लेके आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने का ये टाइम है। क्योंकि हम जो पूरे साल पढ़ते हैं ना, उसको भी हमें रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो सारा का सारा पढ़ा हुआ बेकार जाता है। और इस पीरियड में आप नया तो कुछ भी नहीं पढ़े। और हाँ, इस पीरियड में स्मार्ट स्टडी के अंदर क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है इस बार 100 क्वेश्चन आने हैं, 2 आवर में आपको करने हैं, तो टाइम भी उसमें मैनेज करना है और आपको फैमिलियर होना है क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आज से पूरे 1 महीने तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेक्चर सीरीज आपके सामने पेश करूंगा और ये मेरा पहला लेक्चर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए लेखकों में से दिलोज का लेखक कौन है? दोस्तों, ये 2007 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत ही इजी इसमें पूछा गया था। तो पहले का राइट आंसर है प्लेटो। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी है? सापेक्ष स्वायत्तता जुड़ी है ग्राम्शी के साथ। अगला, नीचे दिए गए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय कराया? तो ये परिचय कराया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ठीक है? तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र की उपविद्या शाखा के तौर पर इसलिए पैदा हुई क्योंकि तुलनात्मक सरकार में कुछ विकृतियां आ गई थी। तुलनात्मक राजनीति अमेरिका में पैदा हुई क्योंकि अमेरिकन विद्वानों ने पिछली सदी में राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारिक आंदोलन से पैदा हुई। तुलनात्मक राजनीति पिछली सदी के 50वें दशक में अस्तित्व में आई। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आपको वीक पॉइंट देखना पड़ता है। ठीक है, यहां पे देखो आप, विकृतियां आ गई थी। ठीक है, तो यहां पे विकृतियां नहीं आई थी इसमें, और ये अमेरिका में जरूर पैदा हुई, लेकिन इसका जो सही आंसर है सी, तुलनात्मक राजनीति राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुई। ठीक है, और ये डेविड स्टर्न से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं में संसद और मंत्रिमंडल के लिए अलग सदस्यता की आवश्यकता होती है। बी, पश्चिम मंत्रित्व रूपी सरकार मंत्रिमंडल के अनौपचारिक स्थिति पर जोर देता है। सी, ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में संसद के समक्ष रखे जाने वाले नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोच्च रूप में नियंत्रण करने और दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है सी। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? आपने सही वाक्य इसमें से पहचानना है, मतलब 3 इसमें गलत है। राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का पर्यवेक्षण आवश्यक नहीं है। बिल्कुल गलत है, राजनीतिक समाजीकरण में सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। गैर राजनीतिक अनुभव राजनीतिक समाजीकरण में कोई योगदान नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत, जो गैर राजनीतिक अनुभव है वो भी समाजीकरण में योगदान करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं अभिवृत्ति की स्थापना तथा उसका विकास है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण से जो आपका राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है सी, यहां पे डी को भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दलों का पंजीकरण
के प्रावधान के अनुसार होता है। कौन सा आर्टिकल है जिसके अनुसार राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है? तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से रिलेटेड है, ठीक है, और चुनाव आयोग यहाँ पे अलग से भी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है 1951 की जनप्रतिनिधि धारा के अनुसार राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? अब ये यूपीए सरकार आपको पता है 2004 से लेके 2013 तक ये सत्ता में रही, और इसमें ए आई डी एम के बीजेपी का एक दल है, मतलब बीजेपी के साथ मिला है ये, और असम गण परिषद भी यूपीए सरकार का नहीं है, और इसका सही आंसर है डी, द्रमुक, द्रविड़ मुनित्र कड़गम, ये यूपीए को समर्थन देता है। नीचे दी गई किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? तो दोस्तों ये आपको बी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, पद सोपान को मापन प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस किसने कहा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये स्केलर प्रोसेस से रिलेटेड है, मुनी और रेले। तो 10 का आंसर है ए। नीचे दिया गया कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्र बनाता है? अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप संबंधित है मानव संबंध सिद्धांत से, जो कि मैंने आपको कराया था मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का, तो इन्होंने अनौपचारिक संगठन पर जोर दिया था। नीचे दिए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग कौन बोलता है। अब ये सारे इन्होंने कोई भेद नहीं किया है तीन ने, ठीक है, इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक ही माना है, लेकिन पॉल एच एपलबी ने निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से अलग माना है। यह किसने कहा दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है? हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकार के समर्थक है, तो ये कहा था वुड्रो विल्सन ने। यही इनका वो वाक्य है जिससे कि 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम है, अब यहां पे अब दे रहा है, टोटल उसके एकदम उसके बाद नहीं, अगर इसमें पूछा यहां पे अब नहीं होता तो इसमें आना था एक ध्रुवीय रहा था, लेकिन अब हम है बहुध्रुवीय, ठीक है, मल्टीपोलर सिस्टम है, एक पोल नहीं है जहां पे शक्ति केंद्रित हो, शक्ति विभिन्न गुटों के पास और ऑर्गेनाइजेशन में विभक्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी था, यह किसने कहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये मोरगेंथू के 6 प्रिंसिपल्स में से एक है, तो आप 6 प्रिंसिपल बिल्कुल याद कर लो, मोरगेंथू के कभी भी पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद पहले ये आता था असर्शन और रीजन के क्वेश्चन एक साथ आते थे, लेकिन अब ये थोड़े मतलब अलग अलग आते हैं, आगे पीछे पूछे होते हैं, पहले एक साथ भी होते थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अरबिंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब यहां पे आपने गैस भी करना होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो पहले मैंने अपलोड की है, ठीक है, कि इसे कैसे असर्शन और रीजन को कैसे सॉल्व करना है। तो अरबिंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है, बिल्कुल ये आध्यात्मिक प्राणी थे, एक गैस तो यहां से हमने लगा दिया, चलो ठीक है, हमें नहीं पता था फिर भी हमने, चलो ठीक है। उसके बाद रीजन देखते हैं, इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनियमन करती है, बिल्कुल अरबिंदो यही बात करते हैं, लेकिन यहां पे ये इसका सही रीजन नहीं है, ठीक है, असर्शन का सही रीजन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आध्यात्मिकता की बात हुई है, अगर इस लाइन में कहीं भी आध्यात्मिकता होती गलती से भी, तो ये इसका सही रीजन होना था। तो
इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, कौटिल्य के अनुसार सेना के चार खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। बिल्कुल सही। उसके बाद इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। कौटिल्य यही बात करते हैं, अगर हम सेना को चार भागों में बांट देंगे, हाथी, घोड़े और रथ और पैदल में, तो एकदम से शत्रु की चालों में नहीं आ सकते और हम युद्ध जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही आंसर है ए, ए और आर दोनों सही और सही रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 18, आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो एकल व समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां पे केवल एक ही संस्कृति हो, ठीक है? अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, जैसे इंडिया में देखो हिंदू, मुस्लिम और ऊपर से ट्राइबल, बहुत सारी संस्कृतियां है ना, तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है दुनिया में। रीजन बता रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन की अभिरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है। बिल्कुल सही। आज क्योंकि कोई समाज है ही नहीं, तो क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग संस्कृति होती है, तो ये बिल्कुल सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य और राज्य प्रणालियां, ठीक है, स्टेट एंड स्टेट सिस्टम आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और स्थायी अभिलक्षण है। बिल्कुल सही बात है। रीजन, राज्य प्रणाली, स्टेट सिस्टम और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात। आपको बस यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है। राज्य प्रणाली, देखो राज्य तो एरिस्टोटल के टाइम से भी थे, लेकिन आधुनिकता तो उस टाइम नहीं थी, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है, राज्य प्रणाली और आधुनिकता ऐतिहासिक रूप से। आधुनिकता तो 1950 के बाद आई, लेकिन राज्य तो बहुत पुराना है, ठीक है? तो संबंध नहीं है की बात कर रहा है। अगर संबंधित है तो बिल्कुल गलत होना था ये, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। यहाँ पे राज्य प्रणालियों की बात हुई है, ऊपर देखो राज्य प्रणालियों की, और नीचे भी राज्य प्रणालियों पर ही बल दिया गया है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, अगर ऊपर किसी चीज पे बल दिया गया है और नीचे भी उसकी बात हो रही है, तो वो गलत कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए, ए और आर दोनों सही है और आर इसका सही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंधन में नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। बिल्कुल पहुंची है। देखो, प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना, जब प्रबंधन को बिल्कुल तकनीकी कर दिया ना नौकरशाही, नौकरशाही ने क्या किया, करप्शन पैदा कर दिया, ठीक है? करप्शन पैदा कर दिया, और नौकरशाह कभी भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं होते हैं। तो उससे क्या हुआ, भारत में जो प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था थी उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चन को और इसका इजीली आंसर दे सकते हो। इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर बनी हुई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो, नौकरशाही की यहाँ पे बात की जा रही है, और नौकरशाही से क्या क्षति पहुंची है, क्षति ये पहुंची है कि मुख्य शिकार निचले स्तर पर जो लोग हैं वो हो रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर इसका सही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 21, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण से मतलब है जो अपराधी है, अपराधियों को जैसे कि कोई नेता है, रैपिस्ट है, उसको राजनीति के अंदर लाना, तो अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। रीजन दिया है, राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। अब ये कुछ अटपटा लग रहा है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, या इसी कारण खो दिए कि अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, कुछ डाउटफुल लग रहा है। तो मुझे इसका आर गलत लग रहा है, तो आर गलत का देख लेते हैं। जहां पे आर गलत है ये देखिए, सी, ए तो यहां पे सही है, ठीक है,
ए यहां पर सही है, आर गलत है। तो 21 का सही आंसर होगा सी। राजनीतिक दलों ने अपनी क्षमता नहीं खोई है। आज आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक दल भी है जो कम से कम दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, मतलब इसने क्षमता नहीं खोई है। क्वेश्चन नंबर 22। लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है, ठीक है। अब लोक प्रशासन का नियंत्रण, इसमें आपने अधीनस्थ विधायन पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, जो आपकी विधायिका है, विधायिका राष्ट्रपति के ऊपर अपना वो मतलब पूरा का पूरा सौंप देते हैं, अपना कार्य सौंप देते हैं, कार्यभार जो कानून विधायिका ने बनाने थे वो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करके बना रहा है। तो यही मतलब इसका, सरकार लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है। और रीजन बता रहा है, संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए समय नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि संसद में बहस हो ही नहीं पा रही है, इसलिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है और कानून बना रहा है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23। सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का परीक्षण देती है। बिल्कुल देती है अपने कर्मचारियों को परीक्षण, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। अब यहां पे देखो, प्रशिक्षण देती है सरकार, प्रशिक्षण देती है मतलब प्रशिक्षण पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था, अगर रीजन में कहीं भी प्रशिक्षण को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसका मतलब ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24। अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रसित है। बिल्कुल सही है, जो अविकसित देश है वहां पे असमानता बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब वहां पे जो तो अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, और जो गरीब है वो इतने गरीब है कि मतलब उनको खाने मतलब दो टाइम का खाना नहीं मिलता है, तो अविकसित देशों में ही होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षा, आजादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे देखो आप, यहां पे असमानताओं की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी क्या समानता की बात नहीं हो रही है यहां पे? यहां पे किसकी बात हो रही है? सुरक्षा, आजादी, प्रगति की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ए सही है, आर भी सही है, लेकिन ये मतलब इसका सही रीजन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता। यहां पे क्षमता अगर दिया होता तो मैं इसको सही मानता, लेकिन अक्षमता टेढ़ा लग रहा है। रीजन देखते हैं, वेस्ट फैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता की संतुष्टि करने में असफल हुई है, ठीक है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा विश्व राजनीतिक व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता है, लेकिन जो आज के अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा है वो है वैश्वीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, भले ही वो आतंकवाद हो, भले ही वो गरीबी हो, भुखमरी हो, या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, उससे निपटने का काम किया जा रहा है, उसमें सक्षम है, लेकिन यहाँ अक्षमता दी है, बिल्कुल गलत है। और वेस्टफैली व्यवस्था, वेस्टफैली सिस्टम क्या है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, आपको ये पता होना चाहिए उसमें क्या गोल रखे गए थे। तो इसमें ये असफल नहीं हुई है, इसमें ये बिल्कुल सफल हुई है वेस्टफैलिया सिस्टम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ए यहां पे गलत है और आर सही है। तो सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 26। ये मेरे फेवरेट रहते हैं, इसमें आपने मैच करने होते हैं, ठीक है, ए को बी के साथ, ठीक है। यहां पे देखिए आप, लेवियाथन, लेवियाथन किसकी है, मतलब इसमें सही कालक्रम आपको पहचानना है, ठीक है। लेवियाथन लिखी है आपकी हॉब्स ने, हॉब्स का टाइम आपको पता है 17th सेंचुरी है, और लेवियाथन लिखी गई है 1651 में।
नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये लिखी गई है 1880 में। और दूसरी है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स ने लिखी है 1971 में, 71 में। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, द कैलकुलस ऑफ कंसेंट लिखी गई है 1962 में। तो इसका सही काल क्रम क्या होगा, 1, 2, 4, 3। इसमें देख लेते हैं, 1, 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर है बी, बी इसका सही आंसर है 1, 2, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी आपको मैच करना है निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति, कि किस सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जनरल विल। सबसे पहले जनरल विल ये रूसो की है, और जनरल विल की थ्योरी रूसो ने 1789 में दी है। सेकंड है अथॉरिटी एज फेडरल, अथॉरिटी एज फेडरल आई है 1978 में। उसके बाद सत्याग्रह, सत्याग्रह गांधी ने शुरू किया है 1906 में। और ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज्य 1917 में। तो इसका सही आंसर है 1, जनरल विल। उसके बाद है सत्याग्रह, सत्याग्रह 1906, 3। उसके बाद है ग्राम स्वराज्य 1917, और उसके बाद है अथॉरिटी एज फेडरल 1978। तो इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित उपागमों का सही कालक्रम पहचानिए। ये देखो यहाँ पे तीन क्वेश्चन कंटिन्यूली आ गए हैं। तो सबसे पहले उपागम आया है, नॉर्मल सिंपल सी बात है, दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम का पिता बोला जाता है प्लेटो को। ठीक है, दार्शनिक उपागम के बाद आता है मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवादी 1830 या 40 के बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद है व्यवहारवादी उपागम। चार्ल्स मेरियम ने 1925 में बुक लिखी थी, जहाँ से आपका बिहेवियरल अप्रोच शुरू होती है। और सबसे बाद में आता है व्यवस्था उपागम, सिस्टम थ्योरी। ये 1954 में, 1954 में डेविड ईस्टन से शुरू होती है। तो इसका सही आंसर है 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी आपको बुक, ये बुक का सही कालक्रम आपने पहचानना है। पॉलिटिकल मैन, ये पॉलिटिकल मैन लिपसेट ने लिखी है, मार्टिन लिपसेट। ठीक है, और पॉलिटिकल मैन आई है 1960 में। ठीक है, उसके बाद है द पावर एलीट, पावर एलीट लिखी है रॉबर्ट मिशेल्स ने, और पावर एलीट आई है 1956 में। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, और ये आई है 1949 में। उसके बाद है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, ये आर्मंडन एंड पावेल ने लिखी है 1966 में। तो इसका सही आंसर है सी। सबसे पहले आई थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, उसके बाद आई द पावर एलीट, उसके बाद पॉलिटिकल मैन, और सबसे लास्ट 1966 में आई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। दोस्तों ये 2007 का क्वेश्चन पेपर है, अब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट का खत्म होना। ठीक है, जैसे ही इलाहाबाद का हाई कोर्ट का फैसला आता है, वैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन,
संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले हुआ आजादी के बाद कांग्रेस में विभाजन। दोस्तों ये विभाजन 1959 में हुआ है, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, आई थिंक 1959 में पहला जो विभाजन हुआ था कांग्रेस के अंदर, तो पहला दो। उसके बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का बनना, सॉरी ये तो आपकी 1977 में बनती है। उसके बाद है आपका दो के बाद तीन, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आती है इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उसके बाद क्या होता है 1977 में पहली बार आपकी केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आ जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपको कालानुक्रम करने हैं, पांच पांच क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं। मिनरवा मिल्स केस, ठीक है, मिनरवा मिल्स केस। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक सुजेशन दूंगा, आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी है कि कौन सा केस कब आया। ठीक है, मिनरवा मिल केस, गोलकनाथ केस, एके गोपालन केस, संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस, ये दोस्तों सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हुआ है आपका एके गोपालन का केस, उसके बाद हुआ है आपका गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस के बाद हुआ है इसमें मिनरवा मिल्स और संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस सबसे लास्ट में हुआ है। नए लोक प्रशासन के उद्गम और समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, नव लोक प्रशासन का जो उद्गम हुआ है, आपको नव लोक प्रशासन की जो मेन करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको भी आपने क्या करना है, सही कालानुक्रम में लगाना है। हनी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद पब्लिक पब्लिकेशन ऑफ टुवार्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले हनी रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, फिर पब्लिकेशन ऑफ टुवार्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे लास्ट में होता है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में। इसका सही आंसर है बी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या है? ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, इसके ऊपर मैंने आपके ऊपर इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला है मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। मैक्स वेबर ने अपना नौकरशाही सिद्धांत दिया है 1890 के अंदर। ठीक है, पब्लिकेशन इसकी 20th सेंचुरी में हुई है, लेकिन इन्होंने ये 1980-90 में, सॉरी 1880-90 में इन्होंने ये अपना सिद्धांत दे दिया था। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन स्कूल आपको पता है ये शुरू होता है 1930 में एल्टन मेयो के बाद, एल्टन मेयो के बाद। उसके बाद है आपका डिसीजन मेकिंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, और सबसे लेटेस्ट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसका सही कालानुक्रम क्या होगा, आपका मैक्स वेबर 2 1 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर है 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम को पहचानिए। सोवियत यूनियन का टूटना 1991, नेम का बनना 1961, नाटो 1949,
और इंडियन ओशन रिम बनती है 1990 में। तो इसका सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले तीन आएगा, यहाँ पे देख लेते तीन, तो तीन यहाँ पे सिर्फ डी में है, तो इसका सही कालानुक्रम यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, 3 2 1 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। कैंप डेविड, माइलाई जनसहार, इराक द्वारा कुवैत पर हमला, सेंट पीटरबर्ग में G8 का सम्मेलन। ये इंटरनेशनल रिलेशन से आया है और ये कैंप डेविड में एक यहाँ पे भी जनसंहार हुआ था, और माइलाई जनसंहार तो बहुत ज़्यादा मतलब सुर्खियों में रहा था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग मारे गए थे। इराक द्वारा कुवैत पर हमला, ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो माइलाई जनसंहार हुआ था ये 1968 में हुआ है, कैंप डेविड 1978 में, 10 साल का इसमें अंतर है। और इराक ने कुवैत पर हमला किया था 2 अगस्त 1990 में, ठीक है, और इसमें इराक के खिलाफ यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने उसकी सेना गई थी और इराक को इसमें हराया था। और आपका सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2006 में। तो सबसे लास्ट में आएगा चार, सबसे लास्ट में चार यहाँ पे सी में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है C 2 1 3 4। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ये ज़्यादा टफ नहीं होते इस टाइप के क्वेश्चन, ये मिलाने में इजी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए प्लेटो, ठीक है, प्लेटो का यहाँ पे बहुत इजी दिया है, फिलोसफर किंग की बात करते हैं, एक अचार, एक अचार यहाँ पे सिर्फ ए में है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैकियावली, मैकियावली ने दिया है प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी मतलब इन्होंने नैतिकता के दो सिद्धांत दिए हैं। हीगल, हीगल ने दी है आपकी टाइम स्पिरिट, और अरबिंदो ने लिखी है सावित्री बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, द गेट कीपर्स, ये आपका थ्योरी से रिलेटेड है। संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा है, JS मिल। बी का चार, बी का चार यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ एक, ठीक है, बी में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति से जुड़े हैं जयप्रकाश नारायण। एनकोडिंग और डिकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग यहाँ पे दिया है आपका डी का एक, एनकोडिंग और डिकोडिंग दिया है कार्ल डॉयच ने, और गेट कीपर्स दिया है डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी मिलान करना है पैरेटो, इसमें से ठीक नहीं है जो यहाँ पे गलत है। ठीक है, पैरेटो, अभिजन की संचलनशीलता, पैरेटो ने बात की है सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, मतलब एलीट्स जो नॉन एलीट होते हैं, एक बार वो एलीट बनते हैं और फिर नॉन एलीट, मतलब ये चक्र चलता रहता है, एक बार जो शासन करते हैं वो विपक्ष में आते ही आते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया, बिल्कुल सही, जो राजनीतिक समाजीकरण होता है वो राजनीतिक संस्कृति से ही होता है। ठीक है, लुशन पाई, संरचनात्मक विभेदीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है ऑर्गेंस की, ऑर्गेंस की राजनीतिक क्षय, राजनीतिक क्षय से जुड़े हैं आपके SP हटिंगटन, ऑर्गेंस की नहीं जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 38 का डी सही आंसर है। निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? रॉबर्ट मिशेल, अल्पतंत्र का लौ नियम, बिल्कुल सही है। हंटिंगटन, आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, बिल्कुल सही। कार्ल ड्वेच, रिसेप्टर, बिल्कुल सही, ये इन्होंने रिसेप्टर जो है डिसीजन मेकिंग अप्रोच में दिए हैं।
आमंड, अभिजन सिद्धांत और प्रजातंत्र। आमंड ने कहीं भी एलिट थ्योरी की बात नहीं की है, तो इसका सही आंसर है डी। नीचे दिए हुए कोडों का प्रयोग करते हुए सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया था 1932 में, तो ए का तीन, ए का तीन यहाँ पे दो जगह दिया है बी और सी में। जेपी का बिहार आंदोलन, जेपी ने बिहार आंदोलन चलाया था 1974 में, तो बी का आएगा चार, बी का चार यहाँ पे एक में है, तो इसका सही आंसर तो आ गया है। आगे का देखते हैं। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति बनना, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने थे 1982 में, और वाजपेयी का पहली बार प्रधानमंत्री 1996 में बने थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए हुए कोडों का प्रयोग करते हुए सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स है या मतलब क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे सीधी मेरी नज़र पड़ी, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है, तो सी का दो, सी का दो यहाँ पे दो जगह है, या तो इसका सही आंसर बी है या सी है। आगे देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की, डी का तीन, डी का तीन, अभी बी और सी थे, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ये लॉयड और सुजन रुडोल्फ ने लिखी है, और स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी रजनी कोठारी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 42, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब दोस्तों ये इन्होंने थ्योरी दी है, अब अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं पब्लिक एड के अंदर, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल, पद सोपान, स्केलर प्रोसेस, आनुवांशिक सत्ता, ठीक है, हेरिडेटरी अथॉरिटी, संगठन के 14 सिद्धांत। अब इसमें दो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ईजी है, देखो संगठन के 14 सिद्धांत ये दिए थे हेनरी फ्योर ने, तो डी का चार, डी का चार यहाँ पे देखो आप सिर्फ एक में है, तो इसका आंसर एक से ही आ गया है, लेकिन आजकल इतने ईजी नहीं आते हैं। आनुवांशिक सत्ता, आनुवांशिक सत्ता से जुड़े हैं मैक्स वेबर, ठीक है, दो का तीन, ठीक है, और यहाँ पे ए का एक, नियंत्रित स्पेन ऑफ कंट्रोल जेडी मुनी का है, और पद सोपान वी ए ग्रेक्यूनास का है, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए हुए कोडों का प्रयोग करते हुए सूची एक को सूची दो से मिलाइए। अधिकारी तंत्र नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही इसमें आपको मैच करना है कि नौकरशाही में क्या होता है। व्यवहारवादी, सामान्य व्यवस्था, पर्यावरणीय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्यवहारवादी क्या है, ये पूरा का पूरा पब्लिक एड से रिलेटेड है। प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है, जहाँ पे व्यवस्था और उपव्यवस्था, सिस्टम और सब सिस्टम की बात हो रही है, वो है आपका सिस्टम अप्रोच से ये इन्होंने लिया है, तो सी का यहाँ पे एक, सी का एक यहाँ पे दो जगह है। और कानूनी एवं तार्किक अधिकरण, लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये है नौकरशाही, तो ए का तीन, ए का तीन यहाँ पे है, और ए का तीन, और उसके बाद सामान्य व्यवस्था है सी का एक, ए का तीन, सी का एक, इसका सही आंसर है सी, 43 का सी। उसके बाद निम्नलिखित दिए हुए कोडों का प्रयोग करते हुए सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। भारत की विदेश नीति का निर्माता जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, ए का चार, दो जगह दिया है यहाँ पे। रूस, रूस के जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। पंचशील हमारा हुआ है चीन के साथ, और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है सुभाष चंद्र बोस ने, तो बहुत ही ईजी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और 44 का सही आंसर है डी। बुल एच, बुल एच क्या है, हेडले बुल है ये, ठीक है। मॉर्टन कैपलान, फ्रांसिस फुकुयामा और कार्ल मार्क्स, इसमें भी आपको बुक्स मैच करनी है। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी
परिवर्तन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डी का एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो जगह है, फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री, तो सी का दो यहाँ पे है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे आ गया है हमारे पास सी, सॉरी एक बार इसको देख लेते हैं, ए का चार हेडले बुल ने दी है विकास की प्रणाली, ठीक है। उसके बाद है मॉर्टन कैपलान ने दी है सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बी का तीन यहाँ पे देख लेते हैं, बी का तीन ये, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हमारे पास पहले ही आ गया था, डी का तीन सही आंसर है, सॉरी 45 का डी सही आंसर है। अब ये जो पहले आता था पैराग्राफ आता था, एक पैराग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना है, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके आपने इसके आंसर देने होते थे, जैसा कि पहले पेपर में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन ये अब नहीं आता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, अगला लेक्चर मैं इससे भी आधा करने की कोशिश करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।